आज हम बात करेंगे विमेन के सबसे खूबसूरत बॉडी पार्ट की, दैट इज आर ब्रेस्ट। सो आज गर्ल्स टॉक की वीडियो में ब्रेस्ट टॉक होने वाला है। आए दिन मुझे बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स आते हैं जहाँ लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि वो अपने ब्रेस्ट को थोड़ा हैवी करना चाहती है, इनहेंस करना चाहती है, सुडोल बनाना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। सो इसी बारे में बात करेंगे कि कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेस्ट को और ज्यादा कर्वी, इनहेंस, प्लम्प बना सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आ जाती है, हर लड़की के काम की वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी सारी गर्ल्स के साथ शेयर जरूर करना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, अगर आप अपने ब्रेस्ट को सुडोल, इनहेंस या कर्वी लुक करना चाहते हो तो उसका एकमात्र आसान तरीका है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है और हर कोई करवाना नहीं चाहता है। सो इस बारे में तो हम बात करने से रहे। और भी कुछ आसान तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप अपने ब्रेस्ट को कर्वी, इनहेंस और प्लम्प बना सकते हो। चलो देखते हैं वो क्या है। सॉल्यूशन बताने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ब्रेस्ट के साइज को क्या चीज इम्पैक्ट करता है। आपका जेनेटिक, एज, बॉडी वेट, हार्मोन्स और लाइफ सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि आपका ब्रेस्ट का शेप और साइज क्या रहे। वैसे आपके ब्रेस्ट बड़े हो या छोटे हो, इससे आपका हेल्थ इश्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि कुछ लड़कियां थोड़ी कॉन्शियस होती हैं कि उनके ब्रेस्ट का साइज उनको पर्टिकुलर तरीके का चाहिए होता है। आपको आपकी बॉडी को चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, या चाहे वो हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो। या आपके ब्रेस्ट बड़े हो या छोटे हो, हर तरीके के शेप एंड साइज में आते हैं और हर ब्रेस्ट खूबसूरत होती है। बट अगर कुछ लोग अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा वर्क करके और इनहेंस करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हो मेरे इस वीडियो को फॉलो करके। वैसे बिगर ब्रेस्ट बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं, आपका जो भी रीजन हो बिगर ब्रेस्ट का, लेकिन इसका सोल्यूशन है। चलो अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज और नेचुरल तरीके बताती हूँ जिससे आप अपने ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल होम रेमेडीज की बात करते हैं। कुछ तरीके के एक्सरसाइज होते हैं जिसको आपको ब्रेस्ट के लिए करना चाहिए, जैसे कि चेस्ट प्रेस, पुशअप्स, चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, अप डाउन प्लैंक, वॉल प्रेस, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो कि स्पेसिफिकली ब्रेस्ट को एनहांस करने के लिए होता है, तो उस पे ध्यान दो आप। दूसरा नेचुरल तरीका है डाइट का। आप अपने डाइट में कुछ तरीके के फ्रूट्स और फूड लोगे ना तो आपके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छी, बिगर, फेमिनिन होती जाती है। जैसे आपको सोया, पपाया, डाइट में टोफू सोया के साथ मिल्क इंक्लूड कीजिए जिसके अंदर फेमिनिन हार्मोन्स होते हैं जो इम्प्रूव करता है आपके ब्रेस्ट के साइज। एक और बहुत आसान तरीका है आपके ब्रेस्ट को और ज्यादा सुडोल बनाने का, आप आराम से घर पे बैठिए और मसाज कीजिए। मसाज करने के लिए बहुत सारे मार्केट में ब्रेस्ट मसाजिंग क्रीम्स आती हैं, लेकिन आप वो सब ट्राई मत करना क्योंकि पता नहीं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, सूट करेगा नहीं करेगा। तो आप वही वाला यूज करना जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला है नम्या का बॉडी प्लम्पिंग क्रीम, बहुत ही अच्छी जार पैकेजिंग में आता है। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सफल है, आपके ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से इनहेंस कर देता है क्योंकि इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। आई एम इन लव विद द इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर कोलाजिन, शिया बटर, वेजिटेबल, विटामिन ई, अमीनो वेक्टर, आमंड ऑयल, आर्गन ऑयल है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है जो कि नेचुरल है और बूस्ट करता है कोलाजिन के प्रोडक्शन को, जो हेल्प करता है आपके ब्रेस्ट के साइज को और बड़ा करने में, इंप्रूव करता है इलास्टिसिटी एंड मेक्स देम सुपर सॉफ्ट एंड सपल। बहुत ही लाइट टेक्सचर के साथ सूदिंग स्मेल है, आपके ब्रेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा ये। इसको लगाने का तरीका बस इतना है कि आपको दिन में दो बार आपको लगाना है, मसाज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करोगे। और कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, प्रूवन रिजल्ट भी है इसके, बहुत सारे लड़कियों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसको यूज करने के बाद, उनके स्मॉल से बिगर ब्रेस्ट बन गए हैं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकेस आप ब्रेस्ट को इनलार्ज करने की कोई ब्रेस्ट की क्रीम ढूंढ रहे हो तो दिस क्रीम इज परफेक्ट फॉर योर ब्रेस्ट। नेचुरल है और इफेक्टिव है एंड अफोर्डेबल। वैसे सबसे आसान तरीका है ब्रेस्ट को बड़ा बनाना, आप प्रेग्नेंट हो जाओ। सच में जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो पहले महीने से ही आपके ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बिगर 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 होने लग जाते हैं। तो जितनी भी माताएं होती हैं उनके ब्रेस्ट थोड़ा बिगर होते ही हैं। सो प्रेग्नेंट वुमेन को तो इस बात की टेंशन होती ही नहीं है, लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर आप यंगस्टर हो, अनमैरिड हो तो क्या करोगे, तो आप मेरे ये सारे टिप्स फॉलो करोगे। और कुछ ऐसी बेसिक चीजें भी हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको भी फॉलो करके तो ब्रेस्ट के शेप में काफी फर्क देखने को मिलता है। जैसे कि हम पहन लेते हैं गलत साइज की ब्रा, और गलत साइज की ब्रा पहनने से पता क्या होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ ही रुक जाती है या ढीली पड़ जाती है। मतलब प्यूबर्टी एज में आप आ गए हो, आपके ब्रेस्ट आना स्टार्ट हो गए, आपने टाइट ब्रा तब से पहनना स्टार्ट किया है, तो ब्रेस्ट उगेंगे कहां, खुलेंगे कहां, और मतलब ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा।
आई ना, उनका ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं हो पाएगा तो वो तो बिछ करके रह जाएंगे। सो बहुत ही बुरे तरीके से आपके ब्रेस्ट रहेंगे। एंड देन अगर आप बहुत ज्यादा लूज ब्रा पहन लेते हो तो आपके ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब लटक जाते हैं लड़कियों के ब्रेस्ट अगर ब्रेस्ट का सही शेप ना पहने तो। सो बहुत जरूरी है गर्ल्स आप सही साइज की ब्रा पहनो। अगर आपको नहीं आता सही साइज मेजर करना तो मेरी वीडियो है ऑलरेडी, आप उसको फॉलो करके देख सकते हो। साथ ही साथ आपका बैठने का पोस्चर क्या है, बातों बातों में मैं भी थोड़ा झुक गई, बट नहीं, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। हमारे बैड बॉडी पोस्चर की वजह से हमारे ब्रेस्ट का साइज खराब हो सकता है, तो हमेशा एकदम कंधों को स्ट्रेट, गर्दन को स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए। बचपन से बोलते थे ना हमारे पेरेंट्स, सीधे बैठो झुक के मत चलो, झुक के मत बैठो तो झुक रहोगे। नहीं बाबा, ये ब्रेस्ट के लिए भी हार्मफुल होते हैं, तो जस्ट सिट स्ट्रेट। मैं कभी भूल जाती हूँ, सच में वो आदत नहीं रहती है ना, हम लापरवाही कर देते हैं। बट या आई कैन ऑल्सो फॉलो दिस। और इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो कि एक्सरसाइज कर लो या अपनी बॉडी पे टाइम इन्वेस्ट करो, तो आप सस्ता जुगाड़ कर सकते हो। सस्ता जुगाड़ मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके छोटे ब्रेस्ट हैं तो आप पैडेड ब्रा पहन लीजिए, या पुश अप ब्राज आती हैं वो पहन लीजिए, तो आपके छोटे छोटे स्मॉल ब्रेस्ट बहुत अच्छे बिगो फुल इनहेंस नजर आते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ इस तरीके के कपड़े पहनिए जिससे फोकस ब्रेस्ट के ऊपर जाए और ब्रेस्ट थोड़ा बिगर नजर आए। जैसे कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले शर्ट्स या टॉप्स वगैरह पहनते हो तो उससे आपके ये वाला पोर्शन थोड़ा बिगर नजर आता है, थोड़ा हम मोटे नजर आते हैं, तो उसमें आपके ब्रेस्ट भी थोड़े हैवी नजर आ सकते हैं। या फिर आप फ्रिल्स वाले ड्रेसेस पहन सकते हो, पफ वाली ड्रेस पहन सकते हो जो यहाँ पे पफ हो फ्रिल हो, तो ऐसा कुछ डिजाइन पैटर्न सिलेक्ट करोगे तो उससे काफी फर्क पड़ता है। ये सस्ता जुगाड़ बता रही हूँ आपको। एक और सस्ता जुगाड़ ये है कि आप अपना वेट बढ़ा लो, क्योंकि अगर आप पतले होते हो तो हर चीज पतला हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट आपके छोटे हो सकते हैं। जब आप वेट पुट ऑन करते हो, अगर आप थोड़े मोटे होते हो तो आपका पूरी बॉडी पे वेट एक साथ चढ़ता है और एक साथ उतरता है। छोटे ब्रेस्ट चाहिए, मोटे हो तो पतले हो जाओ, ब्रेस्ट छोटे हो जाएंगे। बड़े ब्रेस्ट चाहिए, पतले हो तो मोटे हो जाओ, बड़े ब्रेस्ट हो जाएंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, गेन करो थोड़ा सा वेट, पर बैलेंस वेट गेन करना है सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि सिर्फ तोंद ही निकाल ली, ब्रेस्ट निकालना है तो नहीं। सो गर्ल्स, मैंने आपको हर तरीके का टिप बता दिया है, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, मसाज क्रीम हो या सस्ता जुगाड़ हो, इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो। जल्दी रिजल्ट आपको एक्सरसाइज, डाइट और ब्रेस्ट मसाजिंग से मिलेगा। कम से कम दिन में 15 मिनट ब्रेस्ट मसाज जरूर करना, दो बार कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। रेगुलर करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके ब्रेस्ट बहुत अच्छे इनहेंस, सुडोल, बिगर, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ऑल दो छोटे ब्रेस्ट हो, बड़े ब्रेस्ट हो, हर ब्रेस्ट ब्यूटीफुल है, हर लड़की अट्रैक्टिव है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके पास दुनिया भर की चीजें हो सब शून्य हो जाता है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और पिन कमेंट में भी। सो वहां 15 सेकंड के शॉर्ट्स की वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको व्लॉगिंग देखनी है मेरी तो मेरे हस्बैंड हैं प्रिंस, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की व्लॉगिंग आप देख सकते हो हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मोटे क्यों हो रहे हो, पतले हो जाओ, मोटी हो रही हो तो रीजन है ना, क्या रीजन है, बैठे बैठे तो नहीं पता चलेगा ना। बिना एक्चुअल में तो हम थोड़ा मतलब प्रोडक्टिव बातें करते हैं, कुछ हैक्स वैक्स बताती हूँ, पर्सनल लाइफ थोड़ी ना दिखाती हूँ। पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है जानने के लिए व्लॉग देखना पड़ेगा, तो आओ और देखो मेरे व्लॉग मिस्टर और मिसेस प्रिंस पे, ठीक है, मिस्टर और नहीं, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने सारी लड़कियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के बाय बाय।